गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। हम उसका हमें आज हमने फोर्थ पार्ट पढ़ना है। तीन पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने कल माउथ स्टार्ट किया था, माउथ में हमने टीथ पढ़ लिया था। आज हम टंग और स्लाइवा के बारे में पढ़ेंगे। देखो, टंग क्या होती है? टंग क्या होती है? इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। कैसा ऑर्गन होता है ये? मस्कुलर ऑर्गन होता है, मीन्स मसल्स का बना होता है। ठीक है, पीछे से जो हमारी टंग होती है वो बक्कल कैविटी से अटैच होती है, और आगे से जो फ्रंट होता है टंग का वो क्या होता है? फ्री होता है, जिसकी वजह से टंग क्या होती है? पूरे माउथ में मूव कर सकती है। देखो क्या होती है टंग? इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। कैसा ऑर्गन होता है ये? मस्कुलर ऑर्गन होता है, अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये फ्री कहाँ से होती है? फ्रंट से, और जिसकी वजह से क्या कर पाती है? मूव कर पाती है सभी डायरेक्शन में। टंग के ऊपर बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टी वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें किसका पता चलता है? टेस्ट ऑफ फूड का पता चलता है। देखो, टंग के कौन से पार्ट से किस टेस्ट का पता चलता है, हम यहाँ देखेंगे। अब देखो, ये टंग है, टंग का जो फ्रंट पार्ट है, टंग का कौन सा पार्ट है? ये फ्रंट पार्ट है। इस पार्ट से हमें किसका पता चलता है? स्वीट। बैक वाले पार्ट से बीटर, साइड वाले से साल्टी, और साल्टी से ऊपर हमें कौन सी टेस्ट का पता चलता है? श्योर। तो टंग के फ्रंट पार्ट से स्वीट, लास्ट वाले से, बैक वाले से बीटर, साइड से साल्टी एंड श्योर टेस्ट का पता चलता है। और क्या करता है टंग? स्पीकिंग में हेल्प करता है, हमारे माउथ को, हमारे टीथ को क्लीन करने में, साफ साफ करने में हेल्प करता है। और क्या करता है टंग? स्लाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है। क्या करता है ये? स्लाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है, जिससे फूड क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, जिससे फूड क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। तो ये था टंग के बारे में। टंग क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसके ऊपर टेस्टी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें किसका पता चलता है? टेस्ट ऑफ फूड का पता चलता है। तो फ्रंट वाले पार्ट से स्वीट, बैक वाले पार्ट से बीटर, साइड वाले से साल्टी, और उससे ऊपर वाले से श्योर। ठीक है, कि क्या फंक्शन हुए टंग के? स्पीकिंग में हेल्प करता है, हमारे टीथ को क्लीन करता है। दूसरा, स्लाइवा के साथ फूड को मिक्स करके फूड को कैसा बनाता है? सॉफ्ट बनाता है। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें फूड के टेस्ट का पता चलता है। ये था टंग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्लाइवा के बारे में। स्लाइवा मीन्स क्या होता है हिंदी में? लार। क्या होता है बेटा? देखो, स्लाइवा इज ए लिक्विड कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। क्या होता है? लिक्विड कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, जो हम डेली कितना निकालते हैं हमारी बॉडी से? 1.5 लीटर डेली हम कितना सीक्रेट्स करते हैं? 1.5 लीटर स्लाइवा डेली हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी से निकालते हैं। देखो, स्लेवरी ग्लैंड सीक्रेट्स स्लाइवा। अब मैंने आपको बताया था ग्लैंड जो होती है उनसे क्या निकलता है? एंजाइम्स निकलते हैं। तो स्लाइवा में कौन सी ग्लैंड होती है? स्लेवरी ग्लैंड्स। और स्लेवरी ग्लैंड जो होती है वो कितनी होती है? तीन होती है। कितनी होती है स्लेवरी ग्लैंड? थ्री होती है। कौन कौन सी? एक होती है सब लिंगुअल ग्लैंड, एक होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरी होती है पैरोटाइड ग्लैंड। अब देखो, जो सब लिंगुअल ग्लैंड है ये हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होती है, बिलो द टंग। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है ये हमारे लोअर जा के पास प्रेजेंट होती है। मैंडिबल एक हमारी बोन होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारे फेस की, कौन सी? मैंडिबल बोन होती है। ठीक है, तो ये मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लोअर जा के पास। और पैरोटाइड ग्लैंड जो होती है ये हमारे ईयर के पास प्रेजेंट होती है। तो कितनी ग्लैंड होती है स्लेवरी? थ्री स्लेवरी ग्लैंड होती है, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर एंड पैरोटाइड ग्लैंड। जो स्लेवरी ग्लैंड होती है वो स्लाइवा सीक्रेट्स करती है, और स्लाइवा में दो एंजाइम्स मिलते हैं। स्लाइवा में कितने एंजाइम मिलते हैं? दो। कौन कौन से? एक होता है स्लेवरी अमाइलेज, इसी का दूसरा नाम है टाइलिन। क्या नाम है स्लेवरी अमाइलेज का दूसरा नाम? टाइलिन। और दूसरा होता है लाइसोजाइम। दूसरा एंजाइम कौन सा है बेटा? लाइसोजाइम। अब देखो, मैंने आपको बताया था सेकेंड वीडियो में कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं?
ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एंजाइम्स किस में हेल्प करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करने में। अब देखो स्लेवरी ग्लैंड जो एंजाइम्स रिलीज करती है, इनके क्या फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए, इट इज एसिडिक इन नेचर। जो स्लाइवा होता है उसका नेचर कैसा होता है बेटा? एसिडिक। एसिडिक क्यों बोला उसको? क्योंकि इसकी जो पीएच वैल्यू होती है 6 कितनी होती है? 8 होती है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6.8। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो इसको एसिडिक क्यों बोला गया? एक पीएच स्केल दिया होता है, बीच 0 से 14 उस पर वैल्यू दी होती है, बीच में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। किसी भी चीज की, किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू अगर 7 से कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक। अगर 7 से ज्यादा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक। और जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। अब देखो हमारी सलाइवा जो होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 6.8, तो कैसा हो जाएगा? एसिडिक। ब्लड जो होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है बेटा? 7.4, तो इसकी कैसा हो जाएगा इसका नेचर? बेसिक हो जाएगा। जो वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7, तो वाटर का नेचर कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो सलाइवा कैसा है, कैसा नेचर है सलाइवा का? एसिडिक नेचर है। अब देखिए जो ये एंजाइम्स है ये इनका क्या काम है? अब देखो स्लेवरी अमाइलेज जो है, जो टाइलिन है, इसका क्या काम है? ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? शुगर में। अब देखो हम रोटी खाते हैं, ठीक है, वीट खाते हैं, रोटी में क्या होता है बेटा? देखो हमने क्या खाई? रोटी खाई। रोटी में क्या होता है? स्टार्च। अब देखो स्टार्च क्या होता है, आपने 6 क्लास में पढ़ाते हैं स्टार्च क्या होता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ये पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की मैंने आपको 3 फॉर्म पढ़ाई थी, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होता है? सबसे सिंपल फॉर्म, जिसमें ग्लूकोज आएगा। और डाइसेक्राइड क्या होती है? थोड़ी सी, उससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, जिसमें माल्टोज, फ्रेक्टोज, सुक्रोज वगैरह आते। और पॉलीसेक्राइड क्या थी? सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी। और डाइजेशन मैंने आपको क्या बताया था? कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किस में पहुंचाना? सिंपल में पहुंचाना। अब देखो स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, जो क्या है? फूड की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो यहाँ पे स्लेवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन, ये एक ही एंजाइम है, इसके 2 नाम है, ठीक है। उसको किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? माल्टोज में। तो माल्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, बट कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? डाइसेक्राइड। बट स्टार्च से क्या है? थोड़ी सी सिंपल फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए हम रोटी खाते हैं ना, रोटी का टेस्ट कैसा होता है? स्टार्टिंग मुंह में लेते तो कैसे लगता है? फीका फीका लगता है। जैसे सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, एंजाइम्स ने वहां पे उसको रोटी को ब्रेक डाउन किया, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा हो जाता है, हल्का मीठा हो जाता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोज में। जो माल्टोज, वो माल्टोज किसे मिलता है बेटा? स्प्राउटेड सीड्स में। मैंने आपको बताया हुआ है माल्टोज किसे मिलता है? स्प्राउटेड सीड्स में, मीन्स अंकुरित अनाज में मिलता है। और अंकुरित अनाज का टेस्ट कैसा होता है? हल्का मीठा। तो ये टाइलिन में क्या काम है बेटा? स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? शुगर में। अब दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? इट किल द बैक्टीरिया विच एंटर थ्रू द फूड। ये उन बैक्टीरिया को मारता है जो हमारी बॉडी में फूड के साथ एंटर करते हैं, ठीक है। क्या करता है लाइसोजाइम एंजाइम? के उन बैक्टीरिया को मारता है जो क्या करते हैं? हमारे फूड के साथ एंटर करते हैं। लाइसोजाइम्स एंजाइम किल द बैक्टीरिया विच एंटर थ्रू द फूड। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से क्या निकलता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे होता है? यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। देखो हम सिंपल फॉर्म में अभी नहीं पहुंचे हैं। ये कौन सी फॉर्म थी? डाइसेक्राइड। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? माउथ से। कहाँ पे स्टार्ट होता है? माउथ से। तो आज के इतना ही।